Assalamualaikum viewers, I hope all of you are fine. Welcome back to my channel Zeni Study Instruments. Here all students who are doing master or BS in English can seek help. Our today's course is just Geoffrey Chaucer Canterbury Tales, and I'm gonna tell you about the very important topic is Geoffrey Chaucer as a representative poet. Before starting this video guys, please subscribe my channel and press the bell icon as well to get notification of my new videos. And video chhi lage to please press the like button and share my video with your friends. Zeni Study Instruments Literature in Pakistan. Now I'm gonna start the topic, Chaucer as a representative poet. Chaucer as a representative poet. Geoffrey Chaucer belongs to medieval era and can only be called representative of his age if we find genuine representation of life of medieval time in his poetry. Geoffrey Chaucer ka talak medieval era qurune wasti ke daur se hai और इसकी उम्र का ये नुमाइंदा भी कहा जा सकता है इसे अपनी उम्र का, अगर हमें इसकी शायरी में कुरोने वस्ती के वक्त की जिंदगी की तबई नुमाइंदगी मिल जाए. टू एलिमेंट ऑफ चौसर वर्क आर अम्यूजिंग एंड कीप हिज वर्क फ्रेश. चौसर के काम के दो अंसर दिल लगी कर रहे हैं, एंड फर्स्ट वन इज डैट ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, और इसके काम को तरोताजा कर रहे हैं. फर्स्ट वन इज डैट ही वॉज अ गुड स्टोरी टेलर, सबसे पहले ये कि वो एक अच्छी कहानी बताने वाला था. सेकेंडली हिज इमेजिनरी इज रियलिस्टिक, और दूसरी बात ये कि इसकी इमेजिनरी हकीकत पसंदी है. इट इज बिकॉज जोफ्रे चौसर इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज एंड ही हैज इंट्रोड्यूस्ड रियल पीपल टू अस. इसकी वजह से ही जोफ्रे चौसर अपनी उम्र का नुमाइंदा और इसने हकीकी लोगों को हमसे मुतारफ कराया है. He presents every class of his society, और वो अपने माशरे के हर तबके को पेश करता है. However, he missed two classes, अलबत्ता इसने दो क्लासों को मिस किया है, महरूम किया है, elite class of kings and extremely low class of beggars, बादशाहों की elite class और गदागरों की इंतहाई कम क्लास. We hardly find any fictional work in the poetry of Geoffrey Chaucer. Geoffrey Chaucer की शायरी में हमें शायद ही कोई गैर हकीकी काम मिला हो. In fact, no fictional character does exist in his poetry. हकीकत इनकी शायरी में कोई अफसानवी किरदार मौजूद नहीं है. It is evident from the prologue to the Canterbury Tales, और ये prologue Canterbury Tales में जाहिर है. Each and every character is realistic, due to which the book is called a picture gallery of all classes of his contemporaries. हर वो किरदार हकीकत पसंद, यानी कि जो जितने किरदारों को चौसर ने अपनी बुक में शो किया है वो हकीकत पसंद है, इसीलिए उनकी बुक पिक्चर ऑफ गैलरी ऑफ ऑल क्लासेस ऑफ हिज कंटेम्परेरीज, यानी कि उसके साथियों में हम असरों के तमाम तबकों की पिक्चर ऑफ गैलरी कहा जाता है. मॉडर्न पोइट टॉक अबाउट रियल प्रॉब्लम्स एंड दस राइट रियलिस्टिक पोइट्री. जदीद शोरा हकीकी मसाइल पर बात करते हैं, इसी तरह हकीकत पसंदाना शायरी लिखते हैं. Geoffrey Chaucer did so centuries ago, do which people called him representative of his age. Geoffrey Chaucer ने सदियों पहले ऐसा किया था जिसकी वजह से लोग इसे अपने उम्र का नुमाइंदा कहते हैं. None of the character from the prologue to the Canterbury Tales is unrealistic or fictional. कोई भी characters the prologue to the Canterbury Tales से कोई भी character unrealistic, ना हकीकत पसंदाना और fictional नहीं है. They seem alive. It is therefore critics call these characters Chaucer is lively creations. जो आपको जिंदा लगता है, एंड इसीलिए चौसर लाइवली क्रिएशंस, चौसर की जिंदा तख्लीकात, मतलब कि इनके जो किरदार हैं वो इन्हें चौसर की जिंदा तख्लीकात कहते हैं. वी डू नॉट ओनली सी देम बट आल्सो फील एंड लिसन देयर स्टोरीज. हम इन्हें ना सिर्फ देखते हैं बल्कि इनकी कहानियां महसूस करते हैं और सुनते हैं. दे टॉक, लव, क्रैक जोक्स एंड टेल स्टोरीज इन अ वे टू द कंटेम्पररी. वो बात करते हैं, हंसते हैं, लतीफे सुनाते हैं और कंटरबरी के रास्ते में कहानियां सुनाते हैं. हैंस दे सीम रियलिस्टिक फ्रॉम एवरी एंगल, और इसीलिए वो हर जाविये से हकीकत पसंदाना लगते हैं. इट स्ट्रेटन्स द स्टैंस डेट जोफ्रे चौसर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज बिकॉज ही पोर्ट्रेज रियलिस्टिक करेक्टर्स.
ये मौकफ सीधा करता है कि जोफ्रे चौसर अपनी उम्र का नुमाइंदा है क्योंकि वो हकीकत पसंदाना किरदार की तस्वीर कशी करता है। जोफ्रे चौसर एज क्लास रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। चौसर इन द प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स प्रेजेंट्स एट लीस्ट 1% फ्रॉम एवरी क्लास। कंटेम्पररी कहानियों के फ्रॉग में चौसर हर तबके से कम अज कम एक शख्स पेश करता है। जोफ्रे चौसर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। चौसर अपनी उम्र का नुमाइंदा कहना काफी है। वन कैन विटनेस टिपिकल मेडिवल एज ऑफ चौसर थ्रू द प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स। और जोफ्रे चौसर किसी भी जोफ्रे चौसर यानी कि कंटेम्पररी टेल्स के फ्रॉग के जरिए चौसर आम क्रोने वस्ती की उम्र का मुशाहदा कर सकता है। ईच करेक्टर शोज डिफरेंट परस्पेक्टिव ऑफ लाइफ ऑफ डैट एज और हर किरदार इस उम्र की जिंदगी के मुख्तलिफ नुकता नजर को जाहिर करता है। चौसर हैज प्रेजेंटेड फॉलोइंग मेजर क्लासेस। चौसर ने बड़ी क्लासों के को पेश नजर किया है। फर्स्ट ज्वेलरी क्लास, सेकेंड क्लास ऑफ लिबरल प्रोफेशन, थर्ड क्लास ऑफ ट्रेडर्स मर्चेंट्स, फोर्थ लैंडेड इंटरेस्ट, फिफ्थ गनिंग क्लास, सिक्स मेडिवल क्लास, सेवन्थ प्रोविंसेस, एट्थ एंड द लास्ट इज रिलीजियस क्लास। एक्सेप्ट इलाइट एंड लोएस्ट क्लास चौसर हैज लेफ्ट नो क्लास। इलाइट और सबसे कम तबके के अलावा चौसर ने किसी भी क्लास को नहीं छोड़ा। ही रिप्रेजेंट्स ज्वेलरी क्लास थ्रू नाइट्स क्योर एंड द यूमन। उसने ज्वेलरी क्लास को रिप्रेजेंट किया है नाइट क्योर और यूमन के जरिए। लिबरल प्रोफेशंस थ्रू डॉक्टर मैन ऑफ लॉ क्लर्क एंड हिमसेल्फ। और लिबरल प्रोफेशंस को रिप्रेजेंट किया है डॉक्टर मैन ऑफ लॉ क्लर्क और खुद यानी कि चौसर के जरिए। लैंडेड इंटरेस्ट थ्रू द पोलोमैन मिलर रिवी एंड फ्रैंकलिन। और लैंडेड इंटरेस्ट मतलब के जो लैंडेड इंटरेस्ट से उन्हें रिप्रेजेंट किया है पोलोमैन मिलर रिवी एंड फ्रैंकलिन से। ट्रेडर्स थ्रो मर्चेंट्स एंड शिपमैन। और ट्रेडर्स को शो किया है मर्चेंट और शिपमैन के जरिए। क्राफ्ट थ्रो वाइफ ऑफ बाथ। और क्राफ्ट्स वालों को शो किया है वाइफ ऑफ बाथ से। कारपेंटर व्यूवर डेयर एंड द टेपिसर। सेक्युलर क्लेरिजी क्लास थ्रो पर्सन स्मर्ड एंड कैनन। मोनेस्टिक ऑर्डर थ्रो मंक प्रियोरस नन फ्रायर एंड द पर्डोनर। इन दिस वे जोफ्रे चौसर कंप्लीट्स हिज एज बाय वे ऑफ डिपिक्टिंग ईच करेक्टर फ्रॉम एवरी क्लास। और इसी तरह जोफ्रे चौसर हर किरदार को हर तबके से जाहिर करने के तरीके से अपनी उम्र पूरी करता है। एवरी क्लास हैज सम टिपिकल क्वालिटीज। हर तबके में कुछ मखसूस खसूसियात हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट फेल्ट प्लेजर इन स्टैंडिंग बिहाइंड हर मास्टर्स एट मील टाइम्स। मिसाल के तौर पर नाइट मतलब कि अपने आकाओं के पीछे खड़े होने में खुशी महसूस करता है खाने के टाइम पे। वुमेन ट्राई टू फाइंड न्यू वेज ऑफ टेम्पटेशन एज एविडेंट फ्रॉम वाइफ ऑफ बाथ। और वुमेन जो है वो गुसल की बीवी से वाजिया तौर पर फितने के नए तरीके तलाश करने की कोशिश करती है। मेजोरिटी ऑफ रिलीजियस क्लास टुक इंटरेस्ट इन मेकिंग मनी बाय हुक और क्रोक। और ताजरों को मजहबी तबके के मजारियत यानी के हुक मतलब के जैसा भी कोई तरीका हो बस पैसा कमाने में दिलचस्पी लेते हैं। ट्रेडर्स वर आल्सो इंटरेस्टेड इन द मनी वाइल डिसऑनेस्टली ट्रेडिंग गुड्स। और ताजरों को माल बेईमानी करते हुए भी रकम में दिलचस्पी होती है। सिमिलरली डॉक्टर आल्सो इन ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी ड्यू टू द ब्लॉक। और ममासलत के तौर पर डॉक्टरों ने ताउन की वजह से बहुत बड़ी रकम भी हासिल की। वो दे बिकेम रिच ड्यूरिंग द पेस्टिलेंस। वो वबा के दौरान अमीर हो जाते हैं। एंड इन दिस वे जोफ्रे चौसर बिकम्स रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ईच क्लास ऑफ हिज ओन एज वाइल डिमॉन्स्ट्रेटिंग देयर टिपिकल क्लासिक क्वालिटीज। और इसी तरह जोफ्रे चौसर अपनी मखसूस क्लासिक खूबियों का मुजाहरा करते हुए अपनी उम्र के हर तबके का नुमाइंदा बन जाते हैं। द प्रोलॉग टू द कंटेम्पररी टेल्स इज अबाउट एपिक कंटेम्पररी सोसाइटी ऑफ 14th सेंचुरी। कंटेम्पररी कहानियों का पेशकामा 14वीं सदी के महाकावी मुआसर माशरे के बारे में है। जोफ्रे चौसर बींग क्लोज ऑब्जर्वर ऑफ ह्यूमन नेचर हैज कैच्ड रियलिटी इन हिज बुक ड्यू टू विच ही इज कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। और जोफ्रे चौसर इंसानी फितरत के करीब मुबसर होने की वजह से इसके बाइक हकीकत का खाका बना हुआ है जिसकी वजह से इसे अपनी उम्र का नुमाइंदा कहा जाता है रिप्रेजेंटेटिव ऑफ हिज एज। गाइस ये था हमारा आज का टॉपिक। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज प्रेस द लाइक बटन एंड शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। प्लीज शेयर माई वीडियो विद योर फ्रेंड्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।
सॉरी किसी और टॉपिक की ज़रूरत हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आपको वही टॉपिक मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।